हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक टू लेसन नंबर 18 द लिटिल गर्ल का समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 18 द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द लिटिल गर्ल का चैप्टर है डिटेल में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे। हमने समरी को 10 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि जो छोटी बच्ची है वो क्या चाहती थी अपने पिता से, और उसके जो पिता थे वो क्या चाहते थे अपनी बेटी से। सेकंड सेक्शन में हम जानेंगे कि जो बच्ची थी वो अपने पिता को एक गिफ्ट देती है, उस गिफ्ट की वजह से क्या हो जाता है घर में, ये जानेंगे। थर्ड सेक्शन में हम जानेंगे कि जो केजिया थी उसका जो विचार है वो बदलता है अपने पिता के प्रति या नहीं। तो आइए अब हम लोग इसका समरी पढ़ते हैं। सेक्शन वन, सेक्शन वन में है केजिया अपने पिता से भयभीत थी। वह सदैव अपने पिता से आदेश प्राप्त करती थी, जबकि उसके पिता ने यह जानने की कभी कोशिश नहीं की उनकी बेटी उनसे क्या चाहती है। वह चाहती थी कि उससे पिता उससे प्यार करे और साथ रहे। उसके पिता चाहते थे कि केजिया सदैव आज्ञाकारी, अनुशासित एवं पूर्ण व्यक्ति बनकर रहे। वे चाहते थे कि वह उनकी हर बात माने और कोई प्रश्न न करे। इस कारण वह आत्मविश्वास नहीं प्राप्त कर पाई और न बातचीत करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर पाए। जब उसने बात करने का प्रयास किया तब उसे हकराकर चुप हो जाना पड़ता। उसके पिता ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उसके जीवन में क्या गलत हो रहा है। उन्होंने कभी उसे स्वयं से बात करने के लिए समय नहीं दिया। ये हो गया सेक्शन फर्स्ट। अब हम लोग सेक्शन सेकंड देखेंगे। अपनी दादी की सलाह पर केजिया ने अपने पिता को उनके जन्मदिन पर भेंट करने के लिए प्रिन कुशन तैयार किया। वह सोचती थी कि वे इसके इस कार्य से प्रसन्न होंगे। उसने कुशन बनाने के लिए पड़े हुए कागजों का प्रयोग किया। वे कागज उसके पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब उन्हें पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा कि यह उसने उनके जन्मदिन के लिए किया था। उन्होंने उसके हाथ पर एक डंडे से पिटाई की। वह चिल्लाए, लेकिन पिता को लगा कि उसे सबक सिखाने का एक यही तरीका है। केजिया बहुत दुखी हुई। उसने अपनी दादी से पूछा कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है। उसकी दादी ने विश्वास दिलाया कि कुछ समय बाद इसे भूल जाएगी। उसकी भावनाओं को भी चोट पहुंची थी। शरीर की चोट भर गई, लेकिन भाव मन में अभी भी है। ये हो गया सेक्शन टू। अब हम लोग सेक्शन थ्री देखने वाले हैं। केजिया को अपने माता पिता के साथ खुशी बांटने का कभी मौका नहीं मिला। वह उनके साथ कभी सही रिश्ता नहीं बना पाई। उसने डोनाल्ड परिवार के बच्चों को माता पिता के साथ खेलते देखा। उसने उनके चेहरों पर रोमांच और खुशी देखी। वह हैरान थी कि कैसे मैकडोनाल्ड खुश था है। उसके पिता ने कभी उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया, कभी खोलकर खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। अब उसके उसे पता चला कि सभी पिता एक जैसे नहीं होते। उसके पिता मैकडोनाल्ड से भिन्न है। अब वह भी अपने पिता के साथ प्रसन्न रहना चाहती। एक घटना केजिया के जीवन में आई जब उसने अपने पिता के बारे में अलग महसूस किया। एक रात केजिया अकेली थी क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में थी और दादी उसके साथ गई थी। उसने एक सपना देखा और अपनी दादी को पुकारने लगी। उसके पिता भागते हुए आए और उसे शांत किया। उस रात को उसे पिता के निकट आने का अवसर मिला। उन्होंने उसे शांत किया और अपनी बाहों में भरकर सुरक्षा दी।
उसने महसूस किया कि उसके पिता का दिल भी बड़ा है, वे उसके साथ नहीं खेल पाते क्योंकि वे दिन में काम में व्यस्त रहते थे। इस तरह से थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से जो है समरी इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है। ये कहानी सिर्फ यही था कि छोटी सी बच्ची वो अपने पिता के बारे में क्या सोचती है और क्या उसके जो विचार थे सही थे। अगर सही थे तो ठीक है, अगर नहीं सही थे तो क्या ये विचार जो है बदले या नहीं। बस यही इस कहानी का मेन मुद्दा था। तो आइए अब हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा 18 क्वेश्चन 18.1, ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 18.2, ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 18.3, और ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन, ये रहा आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।